अम्मा रज्जू रुक क्यों गई आप? नहीं, रज्जू को सीने से नहीं लगाएंगी? ये तेरे ठाट बाट, बंगला, कपड़े, जेवर, इन चीजों के लिए तूने अपनी मां की इज्जत दांव पे लगाई थी। ये सब कुछ मेरी ख्वाहिश नहीं थी अम्मा, और ना ही आपकी तरबियत। ये कीमती कफन मुझे पहनने पर सरी ने मजबूर किया है। सरी ने? जी, आपकी जरी ने। तो बताएं मुझे, फिर मैं क्या करती? अपने पैरों में घुंघरू बांध लेती? सर नंगा करने से तो अच्छा है ना कि सुहाग की चादर से सर ढांप लिया मैंने। सुहाग की चादर? किसने तेरे सर पे सुहाग की चादर डाली? कौन है वो? उस फरिश्ते का नाम पूछने से पहले मेरी कहानी नहीं सुनेंगी आप? जरी ने मुझे अगवा करवाया, मेरा सौदा किया, मुझे बेआबरू कर दिया अम्मा। क्या कह रही है तू? जरी भला ऐसा क्यों करेगी? सरी दिलावर को फंसवाना चाहती थी ताकि वो तारा को साथ मिलाकर बड़े साई की दौलत और जायदाद को हथिया ले। मुझे अगवा भी उसी ने करवाया। इन सब चीजों का सबूत है मेरे पास। तेरा अभी भी रहता है दिलावर साई से? नहीं नहीं मुझे तो ये सब कुछ उस फरिश्ते ने बताया है जिसने मुझे रिहा करवाया, मुझे ये इज्जत दी। कोई अजनबी इतनी मेहरबानी कैसे कर सकता है? दुनिया में नेक लोग भी हैं अम्मा, उसी ने मुझसे निकाह किया है। क्या निकाह? मिलवा मुझे उससे। मिलवा दूंगी अम्मा, थोड़ा सब्र तो कर ले। कहीं तूने दिलावर से तो नहीं निकाह कर लिया? आपके हवासों पर तो हर वक्त बस दिलावर ही सवार रहता है। आपको ये ऐश, ये घर, ये सब नजर नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत मुझे कहां से कहां ले आई है? ये सब कुछ देखकर आप खुश नहीं है? मगर तेरा घर वाला कहां है? कौन है वो? मुल्क से बाहर गया है वो, आ जाएगा। छोड़े इन सारी बातों को, बस आप यहाँ पर आ गई है ना, अब आराम से ऐश करेंगे यहाँ पर। और वो तारा और जरी जैसी घमंडी लड़कियों को भूल जाए, वो तो बस दौलत की पुजारने हैं। अम्मा चले आई, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आए दीदा, दलेरी से मेरे घर में घुसती चली आ रही हो तुम? निकलो यहां से। ये मेरा भी घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम तो कहकर गई थी कि इस घर में कभी कदम नहीं रखोगी, इंकार कर दिया था ना यहां आने से, तो अब क्यों आई हो? मैं आई थी वापस, आपके बेटे ने मुझे निकाला था। इसलिए क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारी शक्ल से नफरत करता है, देखना नहीं चाहता वो तुम्हारा चेहरा। निकलो यहां से, जाओ अपनी बहन के पास। मेरा कोई ठिकाना नहीं, तारा ने भी मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। तुम जैसी लड़कियों को ठिकाने की जरूरत क्या है? तुम्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए। शहबाज की सारी जायदाद मिल तो गई है, तुम्हें शौहर के घर की क्या जरूरत? तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए होता है, वो तुम्हें मिल चुका है। निकलो यहां से।